इस बीच आपको बड़ी खबर बता दी कि पश्चिम बंगाल में 16 फरवरी से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। जी हां, साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू को लेकर भी ममता सरकार ने जारी किया है नया फरमान। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ज्यादातर राज्यों में कोरोना पाबंदियों में ढील दी जा रही है। राज्यों में सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल कर दिया जा रहा है। इन सबके बीच बंगाल में भी कई पाबंदियों में ढील का ऐलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू के समय को 1 घंटा बढ़ा दी गई है। अब ये पहले की तरह ही रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जी हां, नाइट कर्फ्यू अब रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही एक और बड़ी राहत भरी खबर यह है कि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में 16 फरवरी से सभी प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोलने का ऐलान किया है। हालांकि बंगाल में 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाने के बाद अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के साथ अपर प्राइमरी स्कूल भी खुलने की बात कही है। यानी कि बुधवार से खुलने को लिए यह ऐलान किया गया है, खुलने वाले हैं। आपको बता दें, कोरोना महामारी के बाद से पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्कूल बंद है और देश में स्कूलों के खोले जाने के बाद बंगाल में भी प्राइमरी स्कूलों के खोलने की मांग हो रही थी। जूनियर कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय कोरोना स्थिति पर का पूरी तरह से मूल्यांकन करने के बाद ही लिया जाएगा और इसके लिए अभी समय है। आपको बता दें कि करीब 2 साल के बाद अब प्राइमरी स्कूल खुलने की खबर पाकर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स काफी हद तक खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे सीधे स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे और ऑनलाइन बच्चों से पढ़ाई जो कर रहे थे उन्हें छुटकारा मिलने वाला है। इसलिए पेरेंट्स खास करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब उन्हें उनके बच्चे घर पर बैठकर मोबाइल में पढ़ने के बजाय स्कूल में बैठकर तालीम हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 3 जनवरी 2022 को फिर से तीसरी लहर के बाद स्कूल फिर से बंद कर दिया गया था और अब ये राहत भरी खबर ममता सरकार की तरफ से आई है। जो खबरें निकल कर आ रही है कि बुधवार से यानी 16 फरवरी से स्कूल एक बार फिर से खुलने वाले हैं। ক্লাসরুমে ফিরলে দুদিন হোক তাতেও আমাদের শান্তি হবে এটাই হচ্ছে খুবই সুন্দর এতে আমরা স্বাগতম জানাই রাজ্য সরকার খুব ভালো কাজই করেছে যত দ্রুত ক্লাসরুমে যাওয়া যাবে তত ভালো এরকম ফাঁকা মাঠে আরও অসুবিধা বাড়বে এছাড়া কিছু হবে না কেননা কোনো গাইডনেসই হচ্ছে না आपको बता दें, ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रही है ये कोलकाता के बालीगंज सर्कुलर रोड की है। जी आपको बता दें, ये रात के 12 बजे के बाद की है, बालीगंज सर्कुलर रोड की है, जहाँ पर 12 बजे के बाद पूरा इलाका सुनसान है। आपको बता दें, आज ही राज्य सरकार की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। आपको बता दें कि कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए पहले ये 10 बजे तक था, इसके बाद 11 बजे तक किया गया, 1 घंटा की और रिलैक्सेशन दी गई है। यानी कि रात 12 बजे के बाद सुबह के 5 बजे तक अगर कोई शख्स, अगर कोई व्यक्ति बगैर किसी कारण के घर से निकलता है तो फिर पुलिस और प्रशासन के लोग उसके खिलाफ़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट और दीगर IPC एक्ट के तहत मामला कर सकते हैं। फिलहाल लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि 1 घंटा का और इन्हें छूट मिला, यानी कि 12 बजे के अंदर वो भी निकल सकते हैं। तो ये तस्वीर बालीगंज सर्कुलर रोड की है।